Here's the latest on the probe against Sameer Wankhare, where NCB vigilance team has questioned Wankhare, and Sameer Wankhare has on his part said that there is a fabricated story being planted against him. There is a conspiracy to divert direction of the probe. Also says the cruise liner drug bust that was carried out was done legally. Further states that Prabhakar Sial's allegations, therefore, are baseless. Anuj Mishra, my colleague, joining us with more input. So, Anuj, जो अभी बयान समीर वानखड़े ने दिया है, क्या ये उन्होंने एनसीबी के विजिलेंस टीम के सामने ये दलीलें रखे हैं? क्या आर्ग्यूमेंट है उनका? इन हिज डिफेंस, व्हाट हैज ही सेड? जी बिल्कुल, एनसीबी की जो विजिलेंस टीम मुंबई पहुंची थी और जिसने समीर वानखेड़े से करीब 3 घंटे से ज्यादा लंबे वक्त तक पूछताछ की थी, उसमें समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे तब सभी आरोपों के बारे में एनसीबी विजिलेंस टीम को बयान दर्ज कराया था, जिसमें जो आरोप लगे थे, पहला आरोप प्रभाकर सेल का ये कहना था कि उससे कोरे कागज पर, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए थे, 4 ब्लैंक पेपर के बारे में उसने एफिडेविट में बकायदा जिक्र किया था। इस बाबत समीर वानखेड़े का यह कहना था कि बाकायदा पंचों के सामने और एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो है वो ये पूरी लेटर जो है वो तैयार की गई थी, जिसपे सिग्नेचर कराया गया था, किसी भी कोरे कागज पर सिग्नेचर नहीं कराया गया था। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के ऊपर जो दूसरा आरोप लगा था कि 25 करोड़ रुपए की लेन देन का आरोप के बारे में प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया था कि बाकायदा केपी गोसावी और सैम डिसूजा नाम के शख्स के जरिए ये डील की बात हो रही थी। इस बारे में भी समीर वानखेड़े का ये कहना था कि ये मनगढ़ंत कहानी है और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच को गुमराह करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी बाकायदा ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स है, दिस इज एक्चुअली काउंटरिंग 2 major claims that Prabhakar Sial had made on the extortion and on the signing of blank papers. Thank you, Anuj, for joining us with the latest inputs.